वेलकम बैक। क्या तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं एक और नए अपकमिंग मूवी को लेकर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ब्लेड 4 मूवी से रिलेटेड लीक्स, अपडेट और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे कि इस मूवी की कास्ट क्रू क्या होगी, इस मूवी की स्टारिंग में आपको कौन देखने को मिलेगा, इस मूवी का बजट क्या होगा और वो हर वो इन्फॉर्मेशन जो कि आप जानना चाहते हैं वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज आप लोगों को देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। और दोस्तों, इस मूवी में बताएंगे जो हम आपको इन्फॉर्मेशन वो बिल्कुल वेरीफाई होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के कास्ट और क्रू को लेकर। दोस्तों, इस मूवी को डायरेक्ट किया है स्टीफन नॉरिंगटन ने, विल्बरेक टेल टोरो ने और डेविड एस गोयन ने। बात करें इस मूवी के रिटर्न को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को रिटर्न किया है डेविड एस गोयर, माइकल स्टारबरी ने। बात करें इस मूवी की, तो दोस्तों ये मूवी बेस्ड होने वाली है मार्व वुल्फमैन जेने कोलान के कैरेक्टर जिसका नाम है ब्लेड। बात करें इस मूवी की स्टारिंग को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी की स्टारिंग में हमें वेस्ले स्नाइप्स देखने को मिलते हैं। बात करें इस मूवी के म्यूजिक को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को म्यूजिक मार्क शाम, मार्क बेल्ट्रानी, रेमिन डाजवाड़ी और दर्रजा ने दिया है। बात करें इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूट को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है न्यू लाइन सिनेमा ने। बात करें इस मूवी के रिलीज डेट को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी की रिलीज डेट आपको 2025 मार्च देखने को मिल जाएगी। वहीं बात करें अगर इस मूवी की, तो दोस्तों ये मूवी यूनाइटेड स्टेट्स से रिलेट होने वाली है। और बात करें इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज की, तो ये हमें इंग्लिश देखने को मिल जाती है। लेकिन दोस्तों टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये मूवी आपको ऑफिशियली हिंदी डब के साथ भी देखने को मिल जाएगी, जैसा कि इसके प्रीक्वल्स पार्ट में भी हमें देखने को मिला था। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के बजट को लेकर। इस मूवी का बजट 250 से 300 मिलियन डॉलर होने वाला है। वहीं बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों जैसा कि लोगों के बीच में इस मूवी की हाइप है और जिस बेसब्री से लोग इस मूवी का इंतजार कर रहे हैं, तो उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 800 से 900 मिलियन डॉलर तक आराम से पहुंच जाएगा। और ये मूवी अपने फ्रेंचाइजी में एक और नया रिकॉर्ड कायम कर देगी। तो अब बात करते हैं इस फ्रेंचाइजी को लेकर। दोस्तों ब्लेड एक सुपर हीरो फिल्म और टेलीविजन फ्रेंचाइजी है जो इसी नाम के मार्वल कॉमिक चरित्र पर आधारित है, जिसमें मूल त्रयी में ब्लेड के रूप में वेस्ले स्नाइप्स और टेलीविजन श्रृंखला में स्टिकी फिंगर्स ने अभिनय किया है। मूल त्रयी का निर्देशन स्टीफन नॉरिंगटन, गिल्मरो डेल टोरो और डेविड एस गोय ने किया था, जिनमें से बाद वाले ने फिल्में भी लिखी और टेलीविजन श्रृंखला के पहले और अंतिम दो एपिसोड के लिए सहलेखक के रूप में काम किया। दोस्तों मूल फिल्में और टेलीविजन श्रृंखला 1998 से 2006 तक न्यू लाइन सिनेमा द्वारा वितरित की गई थी। इस किरदार को 1973 में मार्वल कॉमिक्स के लेखक मार्व वुल्फमैन और कलाकार जीन कोलन ने 1970 के दशक की कॉमिक द टॉम ऑफ ड्रेकुला में सहायक किरदार के रूप में बनाया था। दोस्तों कॉमिक में
ब्लेड की माँ को ब्लेड के प्रसव के दौरान एक पिशाच ने काट लिया था, जिससे ब्लेड को पिशाच बनने से रोका जा सका। 1998 की फिल्म ब्लेड की रिलीज के बाद किरदार को पूर्वव्यापी रूप से एक धामपीर में बदल दिया गया और मूवी अपने समकक्ष से मेल खाने के लिए फिर से डिजाइन किया गया। दोस्तों, 2024 में स्नेप्स ने फिल्म डेडपुल और वुल्वरीन में किरदार के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। बात करें इस फ्रेंचाइजी की मूवीज को लेकर, तो दोस्तों ब्लेड जो कि 21 अगस्त 1998 को देखने को मिली थी, ब्लेड 2 जो कि 22 मार्च 2002 को, ब्लेड 3 जो कि ब्लेड ट्रिनिटी के नाम से 8 दिसंबर 2004 को देखने को मिले थी, और इसका चौथा पार्ट ब्लेड 4 हमें 2025 में लगभग 21 साल के एक लंबे अरसे बाद देखने को मिलेगा। अब तक किसके प्रोड्यूसर्स पीटर फ्रैंकफर्ट, वेस्ले स्नेप्स और रॉबर्ट एंजलमैन, पैट्रिक पामर, डेविड एस गोयर और लिन हैरिस है। इसके पटकथा लेखक स्टीफन नॉरिंगटन, डेविड एस गोयर, गिलरमो डेल टोरो और डेविड एस गोयर है। तो वहीं दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी एक हॉरर है और ये मार्वल कॉमिक्स पर बेस्ड है। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, तो हम इसके आपको पहले मूवी की स्टोरी बता देते हैं थोड़ी बहुत। तो ब्लेड बड़ा होकर एक पिशाच शिकारी बन जाता है, अपनी माँ को मारने वाले जीवों से बदला लेने की कसम खाता है। वह विचलन नामक एक व्यक्ति के साथ मिलकर काम करता है, जो एक सेवानिवृत्त पिशाच शिकारी। और की स्टारिंग में आपको कौन देखने को मिलेगा, इस मूवी का बजट क्या होगा और वो हर वो इंफॉर्मेशन जो कि आप जानना चाहते हैं, वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज आप लोगों को देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। और दोस्तों, इस मूवी में बताएंगे जो हम आपको इंफॉर्मेशन, वो बिल्कुल वेरीफाई होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के कास्ट और क्रू को लेकर। दोस्तों, इस मूवी को डायरेक्ट किया है स्टीफन नॉरिंगटन ने, गिल्बर्ट टेल टोरो ने और डेविड एस गोयन ने। बात करें इस मूवी के रिटर्न को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को रिटर्न किया है डेविड एस गोयर, माइकल स्टारबरी ने। बात करें इस मूवी की, तो दोस्तों ये मूवी बेस्ड होने वाली है मार वुल्फ मैन जेने कोलान के कैरेक्टर जिसका नाम है ब्लेड। बात करें इस मूवी की स्टारिंग को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी की स्टारिंग में हमें वेस्ले स्नेप्स देखने को मिलते हैं। बात करें इस मूवी के म्यूजिक को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को म्यूजिक मार्क ईशान, मार्क बेल्ट्रानी, रेमिन डाजवाड़ी और दर्रजा ने दिया है। बात करें इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूट को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है न्यू लाइन सिनेमा ने। बात करें इस मूवी के रिलीज डेट को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी की रिलीज डेट आपको 2025 मार्च देखने को मिल जाएगी। वहीं बात करें अगर इस मूवी की, तो दोस्तों ये मूवी यूनाइटेड स्टेट्स से रिलेट होने वाली है। और बात करें इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज की, तो ये हमें इंग्लिश देखने को मिल जाती है। लेकिन दोस्तों टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये मूवी आपको ऑफिशियली हिंदी डब के साथ भी देखने को मिल जाएगी, जैसा कि इसके प्रीक्वल्स पार्ट में भी हमें देखने को मिला था। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के बजट को लेकर। इस मूवी का बजट 250 से 300 मिलियन डॉलर होने वाला है। वहीं बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों जैसा कि लोगों के बीच में इस मूवी की हाइप है और जिस बेसब्री से लोग इस मूवी का इंतजार कर रहे हैं, तो उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 800 से 900 मिलियन डॉलर तक आराम से पहुंच जाएगा। और ये मूवी अपने फ्रेंचाइजी में
एक और नया रिकॉर्ड कायम कर देगी। तो अब बात करते हैं इस फ्रेंचाइजी को लेकर। दोस्तों, ब्लेड एक सुपर हीरो फिल्म और टेलीविजन फ्रेंचाइजी है जो इसी नाम के मार्वल कॉमिक चरित्र पर आधारित है, जिसमें मूल त्रयी में ब्लेड के रूप में वेस्ली स्नेप्स और टेलीविजन श्रृंखला में स्टिकी फिंगर्स ने अभिनय किया है। मूल त्रयी का निर्देशन स्टीफन नॉरिंगटन, गिल्मरो डेल टोरो और डेविड एस गोय ने किया था, जिनमें से बाद वाले ने फिल्में भी लिखी और टेलीविजन श्रृंखला के पहले और अंतिम दो एपिसोड के लिए सहलेखक के रूप में काम किया। दोस्तों, मूल फिल्में और टेलीविजन श्रृंखला 1998 से 2006 तक न्यू लाइन सिनेमा द्वारा वितरित की गई थी। इस किरदार को 1973 में मार्वल कॉमिक्स के लेखक मारू वुल्फमैन और कलाकार जीन कोलन ने 1970 के दशक की कॉमिक द टॉम ऑफ ड्रेकुला में सहायक किरदार के रूप में बनाया था। दोस्तों, कॉमिक में ब्लेड की मां को ब्लेड के प्रसव के दौरान एक पिशाच ने काट लिया था, जिससे ब्लेड को पिशाच बनने से रोका जा सका। 1998 की फिल्म ब्लेड की रिलीज के बाद किरदार को पूर्वव्यापी रूप से एक धामपीर में बदल दिया गया और मूवी अपने समकक्ष से मेल खाने के लिए फिर से डिजाइन किया गया। दोस्तों, 2024 में स्नेप्स ने फिल्म डेडपुल और वुल्वरीन में किरदार के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। बात करें इस फ्रेंचाइजी की मूवीज को लेकर, तो दोस्तों, ब्लेड जो कि 21 अगस्त 1998 को देखने को मिली थी, ब्लेड 2 जो कि 22 मार्च 2002 को, ब्लेड 3 जो कि ब्लेड ट्रिनिटी के नाम से 8 दिसंबर 2004 को देखने को मिली थी, और इसका चौथा पार्ट ब्लेड 4 हमें 2025 में लगभग 21 साल के एक लंबे अरसे बाद देखने को मिलेगा। अब तक किसके प्रोड्यूसर्स पीटर फ्रैंकफर्ट, वेस्ले स्नेप्स और रॉबर्ट एंजलमैन, पैट्रिक पामर, डेविड एस गोयर और लिन हैरिस है। इसके पटकथा लेखक स्टीफन नॉरिंगटन, डेविड एस गोयर, गिल्रमो डेल टोरो और डेविड एस गोयर है। तो वहीं दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी एक हॉरर है और ये मार्वल कॉमिक्स पर बेस्ड है। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, तो हम इसके आपको पहले मूवी की स्टोरी बता देते हैं थोड़ी बहुत। तो ब्लेड बड़ा होकर एक पिशाच शिकारी बन जाता है, अपनी माँ को मारने वाले जीवों से बदला लेने की कसम खाता है। वह विस्लर नामक एक व्यक्ति के साथ मिलकर काम करता है जो एक सेवानिवृत्त पिशाच शिकारी। और की स्टारिंग में आपको कौन देखने को मिलेगा, इस मूवी का बजट क्या होगा और वो हर वो इंफॉर्मेशन जो कि आप जानना चाहते हैं वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज आप लोगों को देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। और दोस्तों, इस मूवी में बताएंगे जो हम आपको इंफॉर्मेशन वो बिल्कुल वेरीफाई होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के कास्ट और क्रू को लेकर। दोस्तों, इस मूवी को डायरेक्ट किया है स्टीफन नॉरिंगटन ने, विल्बरेक टेल टोरो ने और डेविड एस गोए ने। बात करें इस मूवी के रिटर्न को लेकर, तो दोस्तों, इस मूवी को रिटर्न किया है डेविड एस गोयर, माइकल स्टारबरी ने। बात करें इस मूवी की, तो दोस्तों, ये मूवी बेस्ड होने वाली है मार्वल वुल्फमैन जेने कोलान के कैरेक्टर जिसका नाम है ब्लेड। बात करें इस मूवी की स्टारिंग को लेकर, तो दोस्तों, इस मूवी की स्टारिंग में हमें वेस्ले स्नेप्स देखने को मिलते हैं। बात करें इस मूवी के म्यूजिक को लेकर, तो दोस्तों, इस मूवी को म्यूजिक मार्क शाम, मार्क वेल्ट्रानी, रेमिन डाजवाड़ी,
और दर्जा ने दिया है। बात करें इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूट को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है न्यू लाइन सिनेमा ने। बात करें इस मूवी के रिलीज डेट को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी की रिलीज डेट आपको 2025 मार्च देखने को मिल जाएगी। वहीं बात करें अगर इस मूवी की, तो दोस्तों ये मूवी यूनाइटेड स्टेट्स से रिलेट होने वाली है। और बात करें इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज की, तो ये हमें इंग्लिश देखने को मिल जाती है। लेकिन दोस्तों टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये मूवी आपको ऑफिशियली हिंदी डब के साथ भी देखने को मिल जाएगी, जैसा कि इसके प्रीक्वल्स पार्ट में भी हमें देखने को मिला था। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के बजट को लेकर। इस मूवी का बजट 250 से 300 मिलियन डॉलर होने वाला है। वहीं बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों जैसा कि लोगों के बीच में इस मूवी की हाइप है और जिस बेसब्री से लोग इस मूवी का इंतजार कर रहे हैं, तो उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 800 से 900 मिलियन डॉलर तक आराम से पहुंच जाएगा। और ये मूवी अपने फ्रेंचाइजी में एक और नया रिकॉर्ड कायम कर देगी। तो अब बात करते हैं इस फ्रेंचाइजी को लेकर। दोस्तों ब्लेड एक सुपर हीरो फिल्म और टेलीविजन फ्रेंचाइजी है, जो इसी नाम के मार्वल कॉमिक चरित्र पर आधारित है, जिसमें मूल त्रय में ब्लेड के रूप में वेस्ली स्नेप्स और टेलीविजन श्रृंखला में स्टिकी फिंगर्स ने अभिनय किया है। मूल त्रय का निर्देशन स्टीफन नॉरिंगटन, गिल्मरो डेल टोरो और डेविड एस गोय ने किया था, जिनमें से बाद वाले ने फिल्में भी लिखी और टेलीविजन श्रृंखला के पहले और अंतिम दो एपिसोड के लिए सहलेखक के रूप में काम किया। दोस्तों मूल फिल्में और टेलीविजन श्रृंखला 1998 से 2006 तक न्यू लाइन सिनेमा द्वारा वितरित की गई थी। इस किरदार को 1973 में मार्वल कॉमिक्स के लेखक मारू वुल्फमैन और कलाकार जीन कोलन ने 1970 के दशक की कॉमिक द टॉम ऑफ ड्रेकुला में सहायक किरदार के रूप में बनाया था। दोस्तों कॉमिक में ब्लेड की मां को ब्लेड के प्रसव के दौरान एक पिशाच ने काट लिया था, जिससे ब्लेड को पिशाच बनने से रोका जा सका। 1998 की फिल्म ब्लेड की रिलीज के बाद किरदार को पूर्वव्यापी रूप से एक धामपीर में बदल दिया गया और मूवी अपने समकक्ष से मेल खाने के लिए फिर से डिजाइन किया गया। दोस्तों 2024 में स्नेप्स ने फिल्म डेडपुल और वुल्वरीन में किरदार के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। बात करें इस फ्रेंचाइजी की मूवीज को लेकर, तो दोस्तों ब्लेड जो कि 21 अगस्त 1998 को देखने को मिली थी, ब्लेड 2 जो कि 22 मार्च 2002 को, ब्लेड 3 जो कि ब्लेड ट्रिनिटी के नाम से 8 दिसंबर 2004 को देखने को मिली थी, और इसका चौथा पार्ट ब्लेड 4 हमें 2025 में लगभग 21 साल के एक लंबे अरसे बाद देखने को मिलेगा। अब तक इसके प्रोड्यूसर्स पीटर फ्रैंकफर्ट, वेस्ली स्नेप्स और रॉबर्ट एंजलमैन, पैट्रिक पामर, डेविड एस गोयर और लिन हैरिस हैं। इसके पटकथा लेखक स्टीफन नॉरिंगटन, डेविड एस गोयर, गिल्रमो डेल टोरो और डेविड एस गोयर हैं। तो वहीं दोस्तों इस मूवी की स्टोरी एक हॉरर है और ये मार्वल कॉमिक्स पर बेस्ड है। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है, तो हम इसके आपको पहले मूवी की स्टोरी बता देते हैं थोड़ी बहुत। तो ब्लेड बड़ा होकर एक पिशाच शिकारी बन जाता है, अपनी माँ को मारने वाले जीव से बदला लेने की कसम खाता है। वह विस्लर नामक एक व्यक्ति के साथ मिलकर काम करता है, जो एक सेवानिवृत्त पिशाच शिकारी। और की स्टारिंग में आपको कौन देखने को मिलेगा, इस मूवी का बजट क्या होगा और वो हर वो इंफॉर्मेशन जो कि आप जानना चाहते हैं
वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज आप लोगों को देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। और दोस्तों, इस मूवी में बताएंगे जो हम आपको इंफॉर्मेशन वो बिल्कुल वेरीफाई होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के कास्ट और क्रू को लेकर। दोस्तों, इस मूवी को डायरेक्ट किया है स्टीफन नॉरिंगटन ने, विल्बरेक टेल टोरो ने और डेविड एस गोयन ने। बात कर रहे हैं इस मूवी के रिटर्न को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को रिटर्न किया है डेविड एस गोयर, माइकल स्टारबरी ने। बात करें इस मूवी की, तो दोस्तों ये मूवी बेस्ड होने वाली है मार्व वुल्फमैन जेने कोलान के कैरेक्टर जिसका नाम है ब्लेड। बात करें इस मूवी की स्टारिंग को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी की स्टारिंग में हमें वेस्ले स्नाइप्स देखने को मिलते हैं। बात करें इस मूवी के म्यूजिक को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को म्यूजिक मार्क शाम, मार्क बेल्ट्रानी, रेमिन डाजवाड़ी और दर्रजा ने दिया है। बात करें इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूट को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है न्यू लाइन सिनेमा ने। बात करें इस मूवी के रिलीज डेट को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी की रिलीज डेट आपको 2025 मार्च देखने को मिल जाएगी। वहीं बात करें अगर इस मूवी की, तो दोस्तों ये मूवी यूनाइटेड स्टेट्स से रिलेट होने वाली है। और बात करें इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज की, तो ये हमें इंग्लिश देखने को मिल जाती है। लेकिन दोस्तों टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये मूवी आपको ऑफिशियली हिंदी डब के साथ भी देखने को मिल जाएगी, जैसा कि इसके प्रीक्वल्स पार्ट में भी हमें देखने को मिला था। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के बजट को लेकर। इस मूवी का बजट 250 से 300 मिलियन डॉलर होने वाला है। वहीं बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों जैसा कि लोगों के बीच में इस मूवी की हाइप है और जिस बेसब्री से लोग इस मूवी का इंतजार कर रहे हैं, तो उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 800 से 900 मिलियन डॉलर तक आराम से पहुंच जाएगा। और ये मूवी अपने फ्रेंचाइजी में एक और नया रिकॉर्ड कायम कर देगी। तो अब बात करते हैं इस फ्रेंचाइजी को लेकर। दोस्तों ब्लेड एक सुपर हीरो फिल्म और टेलीविजन फ्रेंचाइजी है जो इसी नाम के मार्वल कॉमिक चरित्र पर आधारित है, जिसमें मूल त्रयी में ब्लेड के रूप में वेस्ले स्नाइप्स और टेलीविजन श्रृंखला में स्टीकी फिंगर्स ने अभिनय किया है। मूल त्रयी का निर्देशन स्टीफन नॉरिंगटन, गिल्मरो डेल टोरो और डेविड एस गोय ने किया था, जिनमें से बाद वाले ने फिल्में भी लिखी और टेलीविजन श्रृंखला के पहले और अंतिम दो एपिसोड के लिए सहलेखक के रूप में काम किया। दोस्तों मूल फिल्में और टेलीविजन श्रृंखला 1998 से 2006 तक न्यू लाइन सिनेमा द्वारा वितरित की गई थी। इस किरदार को 1973 में मार्वल कॉमिक्स के लेखक मार्व वुल्फमैन और कलाकार जीन कोलन ने 1970 के दशक की कॉमिक द टॉम ऑफ ड्रैकुला में सहायक किरदार के रूप में बनाया था। दोस्तों कॉमिक में ब्लेड की मां को ब्लेड के प्रसव के दौरान एक पिशाच ने काट लिया था, जिससे ब्लेड को पिशाच बनने से रोका जा सका। 1998 की फिल्म ब्लेड की रिलीज के बाद किरदार को पूर्वव्यापी रूप से एक धामपीर में बदल दिया गया और मूवी अपने समकक्ष से मेल खाने के लिए फिर से डिजाइन किया गया। दोस्तों 2024 में स्नेप्स ने फिल्म डेडपुल और वुल्वरीन में किरदार के रूप में अपनी भूमिका दोहराई।
बात करें इस फ्रेंचाइजी की मूवीज को लेकर, तो दोस्तों ब्लेड जो कि 21 अगस्त 1998 को देखने को मिली थी, ब्लेड 2 जो कि 22 मार्च 2002 को, ब्लेड 3 जो कि ब्लेड ट्रिनिटी के नाम से 8 दिसंबर 2004 को देखने को मिली थी, और इसका चौथा पार्ट ब्लेड 4 हमें 2025 में लगभग 21 साल के एक लंबे अरसे बाद देखने को मिलेगा। अब तक किसके प्रोड्यूसर्स पीटर फ्रैंकफर्ट, वेस्ले स्नेप्स और रॉबर्ट एंजलमैन, पैट्रिक पामर, डेविड एस गोयर और लिन हैरिस है। इसके पटकथा लेखक स्टीफन नॉरिंगटन, डेविड एस गोयर, गिलरमो डेल टोरो और डेविड एस गोयर है। तो वहीं दोस्तों इस मूवी की स्टोरी एक हॉरर है और ये मार्वल कॉमिक्स पर बेस्ड है, और दोस्तों जैसा कि आपको पता है तो हम इसके आपको पहले मूवी की स्टोरी बता देते हैं थोड़ी बहुत। तो ब्लेड बड़ा होकर एक पिशाच शिकारी बन जाता है, अपनी माँ को मारने वाले जीव से बदला लेने की कसम खाता है। वह विस्लर नामक एक व्यक्ति के साथ मिलकर काम करता है जो एक सेवानिवृत्त पिशाच शिकारी। और की स्टारिंग में आपको कौन देखने को मिलेगा, इस मूवी का बजट क्या होगा और वो हर वो इंफॉर्मेशन जो कि आप जानना चाहते हैं वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज आप लोगों को देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। और दोस्तों इस मूवी में बताएंगे जो हम आपको इंफॉर्मेशन वो बिल्कुल वेरीफाई होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के कास्ट और क्रू को लेकर। दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है स्टीफन नॉरिंगटन ने, विल्बरेक टेल टोरो ने और डेविड एस गोयन ने। बात करें इस मूवी के रिटर्न को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को रिटर्न किया है डेविड एस गोयर, माइकल स्टारबरी ने। बात करें इस मूवी की, तो दोस्तों ये मूवी बेस्ड होने वाली है मार्व वुल्फमैन जेने कोलान के कैरेक्टर जिसका नाम है ब्लेड। बात करें इस मूवी की स्टारिंग को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी की स्टारिंग में हमें वेस्ले स्नेप्स देखने को मिलते हैं। बात करें इस मूवी के म्यूजिक को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को म्यूजिक मार्क ईशान, मार्क बेल्ट्रानी, रेमिन डाजवाड़ी और दर्रजा ने दिया है। बात करें इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूट को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है न्यू लाइन सिनेमा ने। बात करें इस मूवी के रिलीज डेट को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी की रिलीज डेट आपको 2025 मार्च देखने को मिल जाएगी। वहीं बात करें अगर इस मूवी की, तो दोस्तों ये मूवी यूनाइटेड स्टेट्स से रिलेट होने वाली है। और बात करें इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज की, तो ये हमें इंग्लिश देखने को मिल जाती है। लेकिन दोस्तों टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये मूवी आपको ऑफिशियली हिंदी डब के साथ भी देखने को मिल जाएगी, जैसा कि इसके प्रीक्वल्स पार्ट में भी हमें देखने को मिला था। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के बजट को लेकर। इस मूवी का बजट 250 से 300 मिलियन डॉलर होने वाला है। वहीं बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों जैसा कि लोगों के बीच में इस मूवी की हाइप है और जिस बेसब्री से लोग इस मूवी का इंतजार कर रहे हैं, तो उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 800 से 900 मिलियन डॉलर तक आराम से पहुंच जाएगा, और ये मूवी अपने फ्रेंचाइजी में एक और नया रिकॉर्ड कायम कर देगी। तो अब बात करते हैं इस फ्रेंचाइजी को लेकर। दोस्तों ब्लेड एक सुपर हीरो फिल्म और टेलीविजन फ्रेंचाइजी है जो इसी नाम के मार्वल कॉमिक चरित्र पर आधारित है, जिसमें मूल त्रयी में ब्लेड के रूप में वेस्ले स्नेप्स और टेलीविजन श्रृंखला में स्टिकी फिंगर्स ने अभिनय किया है। मूल त्रयी का निर्देशन स्टीफन नॉरिंगटन, गिलमरो डेल टोरो और
डेविड एस गोय ने किया था, जिनमें से बाद वाले ने फिल्में भी लिखी और टेलीविजन श्रृंखला के पहले और अंतिम दो एपिसोड के लिए सह लेखक के रूप में काम किया। दोस्तों, मूल फिल्में और टेलीविजन श्रृंखला 1998 से 2006 तक न्यू लाइन सिनेमा द्वारा वितरित की गई थी। इस किरदार को 1973 में मार्वल कॉमिक्स के लेखक मारु वुल्फमैन और कलाकार जीन कोलन ने 1970 के दशक की कॉमिक द टॉम ऑफ ड्रैकुला में सहायक किरदार के रूप में बनाया था। दोस्तों, कॉमिक में ब्लेड की मां को ब्लेड के प्रसव के दौरान एक पिशाच ने काट लिया था, जिससे ब्लेड को पिशाच बनने से रोका जा सका। 1998 की फिल्म ब्लेड की रिलीज के बाद किरदार को पूर्वव्यापी रूप से एक धामपीर में बदल दिया गया और मूवी अपने समकक्ष से मेल खाने के लिए फिर से डिजाइन किया गया। दोस्तों, 2024 में स्नेप्स ने फिल्म डेडपुल और वुल्वरीन में किरदार के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। बात करें इस फ्रेंचाइजी की मूवीज को लेकर, तो दोस्तों, ब्लेड जो कि 21 अगस्त 1998 को देखने को मिली थी, ब्लेड 2 जो कि 22 मार्च 2002 को, ब्लेड 3 जो कि ब्लेड ट्रिनिटी के नाम से 8 दिसंबर 2004 को देखने को मिली थी, और इसका चौथा पार्ट ब्लेड 4 हमें 2025 में लगभग 21 साल के एक लंबे अरसे बाद देखने को मिलेगा। अब तक किसके प्रोड्यूसर्स पीटर फ्रैंकफर्ट, वेस्ले स्नेप्स और रॉबर्ट एंजलमैन, पैट्रिक पामर, डेविड एस गोयर और लिन हैरिस है। इसके पटकथा लेखक स्टीफन नॉरिंगटन, डेविड एस गोयर, गिलरमो डेल टोरो और डेविड एस गोयर है। तो वहीं दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी एक हॉरर है और ये मार्वल कॉमिक्स पर बेस्ड है। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, तो हम इसके आपको पहले मूवी की स्टोरी बता देते हैं थोड़ी बहुत। तो ब्लेड बड़ा होकर एक पिशाच शिकारी बन जाता है, अपनी माँ को मारने वाले जीवों से बदला लेने की कसम खाता है। वह विस्लर नामक एक व्यक्ति के साथ मिलकर काम करता है, जो एक सेवानिवृत्त पिशाच शिकारी। और की स्टारिंग में आपको कौन देखने को मिलेगा, इस मूवी का बजट क्या होगा और वो हर वो इन्फॉर्मेशन जो कि आप जानना चाहते हैं, वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज आप लोगों को देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। और दोस्तों, इस मूवी में बताएंगे जो हम आपको इंफॉर्मेशन वो बिल्कुल वेरीफाई होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के कास्ट और क्रू को लेकर। दोस्तों, इस मूवी को डायरेक्ट किया है स्टीफन नॉरिंगटन ने, गिलबर्ट टेल टोरो ने और डेविड एस गोयन ने। बात करें इस मूवी के रिटर्न को लेकर, तो दोस्तों, इस मूवी को रिटर्न किया है डेविड एस गोयर, माइकल स्टारबरी ने। बात करें इस मूवी की, तो दोस्तों, ये मूवी बेस्ड होने वाली है मारु वुल्फमैन जेने कोलान के कैरेक्टर जिसका नाम है ब्लेड। बात करें इस मूवी की स्टारिंग को लेकर, तो दोस्तों, इस मूवी की स्टारिंग में हमें वेस्ले स्नेप्स देखने को मिलते हैं। बात करें इस मूवी के म्यूजिक को लेकर, तो दोस्तों, इस मूवी को म्यूजिक मार्क इशान, मार्क बेल्ट्रानी, रेमिन डाजवाड़ी और दर्रजा ने दिया है। बात करें इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूट को लेकर, तो दोस्तों, इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है न्यू लाइन सिनेमा ने। बात करें इस मूवी के रिलीज डेट को लेकर, तो दोस्तों, इस मूवी की रिलीज डेट आपको 2025 मार्च देखने को मिल जाएगी। वहीं बात करें अगर इस मूवी की, तो दोस्तों, ये मूवी यूनाइटेड स्टेट्स से रिलेट होने वाली है। और बात करें इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज की, तो ये हमें इंग्लिश देखने को मिल जाती है।
लेकिन दोस्तों टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये मूवी आपको ऑफिशियली हिंदी डब के साथ भी देखने को मिल जाएगी, जैसा कि इसके प्रीक्वल्स पार्ट में भी हमें देखने को मिला था। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के बजट को लेकर। इस मूवी का बजट 250 से 300 मिलियन डॉलर होने वाला है। वहीं बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों जैसा कि लोगों के बीच में इस मूवी की हाइप है और जिस बेसब्री से लोग इस मूवी का इंतजार कर रहे हैं, तो उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 800 से 900 मिलियन डॉलर तक आराम से पहुंच जाएगा और ये मूवी अपने फ्रेंचाइजी में एक और नया रिकॉर्ड कायम कर देगी। तो अब बात करते हैं इस फ्रेंचाइजी को लेकर। दोस्तों ब्लेड एक सुपर हीरो फिल्म और टेलीविजन फ्रेंचाइजी है जो इसी नाम के मार्वल कॉमिक चरित्र पर आधारित है, जिसमें मूल त्रयी में ब्लेड के रूप में वेस्ली स्नेप्स और टेलीविजन श्रृंखला में स्टिकी फिंगर्स ने अभिनय किया है। मूल त्रयी का निर्देशन स्टीफन नॉरिंगटन, गिल्मरो डेल टोरो और डेविड एस गोय ने किया था, जिनमें से बाद वाले ने फिल्में भी लिखी और टेलीविजन श्रृंखला के पहले और अंतिम दो एपिसोड के लिए सह लेखक के रूप में काम किया। दोस्तों मूल फिल्में और टेलीविजन श्रृंखला 1998 से 2006 तक न्यू लाइन सिनेमा द्वारा वितरित की गई थी। इस किरदार को 1973 में मार्वल कॉमिक्स के लेखक मारू वुल्फमैन और कलाकार जीन कोलन ने 1970 के दशक की कॉमिक द टॉम ऑफ ड्रैकुला में सहायक किरदार के रूप में बनाया था। दोस्तों कॉमिक में ब्लेड की मां को ब्लेड के प्रसव के दौरान एक पिशाच ने काट लिया था, जिससे ब्लेड को पिशाच बनने से रोका जा सका। 1998 की फिल्म ब्लेड की रिलीज के बाद किरदार को पूर्वव्यापी रूप से एक धामपीर में बदल दिया गया और मूवी अपने समकक्ष से मेल खाने के लिए फिर से डिजाइन किया गया। दोस्तों 2024 में स्नेप्स ने फिल्म डेडपुल और वुल्वरीन में किरदार के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। बात करें इस फ्रेंचाइजी की मूवीज को लेकर, तो दोस्तों ब्लेड जो कि 21 अगस्त 1998 को देखने को मिली थी, ब्लेड 2 जो कि 22 मार्च 2002 को, ब्लेड 3 जो कि ब्लेड ट्रिनिटी के नाम से 8 दिसंबर 2004 को देखने को मिली थी, और इसका चौथा पार्ट ब्लेड 4 हमें 2025 में लगभग 21 साल के एक लंबे अरसे बाद देखने को मिलेगा। अब तक इसके प्रोड्यूसर्स पीटर फ्रैंकफर्ट, वेस्ले स्नेप्स और रॉबर्ट एंजलमैन, पैट्रिक पामर, डेविड एस गोयर और लिन हैरिस है। इसके पटकथा लेखक स्टीफन नॉरिंगटन, डेविड एस गोयर, गिल्रमो डेल टोरो और डेविड एस गोयर है। तो वहीं दोस्तों इस मूवी की स्टोरी एक हॉरर है और ये मार्वल कॉमिक्स पर बेस्ड है, और दोस्तों जैसा कि आपको पता है तो हम इसके आपको पहले मूवी की स्टोरी बता देते हैं थोड़ी बहुत। तो ब्लेड बड़ा होकर एक पिशाच शिकारी बन जाता है, अपनी माँ को मारने वाले जीवों से बदला लेने की कसम खाता है। वह विस्लर नामक एक व्यक्ति के साथ मिलकर काम करता है जो एक सेवानिवृत्त पिशाच शिकारी। और की स्टारिंग में आपको कौन देखने को मिलेगा, इस मूवी का बजट क्या होगा और वो हर वो इंफॉर्मेशन जो कि आप जानना चाहते हैं वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज आप लोगों को देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। और दोस्तों इस मूवी में बताएंगे जो हम आपको इंफॉर्मेशन वो बिल्कुल वेरीफाई होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के कास्ट और क्रू को लेकर। दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है
स्टीफन नॉरिंगटन ने, विल्बर टेल टोरो ने और डेविड एस गोयन ने। बात करें इस मूवी के रिटर्न को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को रिटर्न किया है डेविड एस गोयर, माइकल स्टारबरी ने। बात करें इस मूवी की, तो दोस्तों ये मूवी बेस्ड होने वाली है मार्व वुल्फ मैन जेने कोलान के कैरेक्टर जिसका नाम है ब्लेड। बात करें इस मूवी की स्टारिंग को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी की स्टारिंग में हमें वेस्ले स्नैप्स देखने को मिलते हैं। बात करें इस मूवी के म्यूजिक को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को म्यूजिक मार्क शाम, मार्क बेल्ट्रानी, रेमिन डाजवाड़ी और दर्रजा ने दिया है। बात करें इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूट को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है न्यू लाइन सिनेमा ने। बात करें इस मूवी के रिलीज डेट को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी की रिलीज डेट आपको 2025 मार्च देखने को मिल जाएगी। वहीं बात करें अगर इस मूवी की, तो दोस्तों ये मूवी यूनाइटेड स्टेट्स से रिलेट होने वाली है। और बात करें इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज की, तो ये हमें इंग्लिश देखने को मिल जाती है। लेकिन दोस्तों टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये मूवी आपको ऑफिशियली हिंदी डब के साथ भी देखने को मिल जाएगी, जैसा कि इसके प्रीक्वल्स पार्ट में भी हमें देखने को मिला था। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के बजट को लेकर। इस मूवी का बजट 250 से 300 मिलियन डॉलर होने वाला है। वहीं बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों जैसा कि लोगों के बीच में इस मूवी की हाइप है और जिस बेसब्री से लोग इस मूवी का इंतजार कर रहे हैं, तो उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 800 से 900 मिलियन डॉलर तक आराम से पहुंच जाएगा और ये मूवी अपने फ्रेंचाइजी में एक और नया रिकॉर्ड कायम कर देगी। तो अब बात करते हैं इस फ्रेंचाइजी को लेकर। दोस्तों ब्लेड एक सुपर हीरो फिल्म और टेलीविजन फ्रेंचाइजी है जो इसी नाम के मार्वल कॉमिक चरित्र पर आधारित है, जिसमें मूल त्रयी में ब्लेड के रूप में वेस्ली स्नेप्स और टेलीविजन श्रृंखला में स्टिकी फिंगर्स ने अभिनय किया है। मूल त्रयी का निर्देशन स्टीफन नॉरिंगटन, गिल्मरो डेल टोरो और डेविड एस गोयन ने किया था, जिनमें से बाद वाले ने फिल्में भी लिखी और टेलीविजन श्रृंखला के पहले और अंतिम दो एपिसोड के लिए सहलेखक के रूप में काम किया। दोस्तों मूल फिल्में और टेलीविजन श्रृंखला 1998 से 2006 तक न्यू लाइन सिनेमा द्वारा वितरित की गई थी। इस किरदार को 1973 में मार्वल कॉमिक्स के लेखक मार्व वुल्फमैन और कलाकार जीन कोलन ने 1970 के दशक की कॉमिक द टॉम ऑफ ड्रेकुला में सहायक किरदार के रूप में बनाया था। दोस्तों कॉमिक में ब्लेड की मां को ब्लेड के प्रसव के दौरान एक पिशाच ने काट लिया था, जिससे ब्लेड को पिशाच बनने से रोका जा सका। 1998 की फिल्म ब्लेड की रिलीज के बाद किरदार को पूर्वव्यापी रूप से एक धामपीर में बदल दिया गया और मूवी अपने समकक्ष से मेल खाने के लिए फिर से डिजाइन किया गया। दोस्तों 2024 में स्नेप्स ने फिल्म डेडपुल और वुल्वरीन में किरदार के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। बात करें इस फ्रेंचाइजी की मूवीज को लेकर, तो दोस्तों ब्लेड जो कि 21 अगस्त 1998 को देखने को मिली थी, ब्लेड 2 जो कि 22 मार्च 2002 को, ब्लेड 3 जो कि ब्लेड ट्रिनिटी के नाम से 8 दिसंबर 2004 को देखने को मिली थी, और इसका चौथा पार्ट ब्लेड 4 हमें 2025 में लगभग 21 साल के एक लंबे अरसे बाद देखने को मिलेगा। अब तक इसके प्रोड्यूसर्स पीटर फ्रैंकफर्ट, वेस्ले स्नेप्स और रॉबर्ट एंजलमैन, पैट्रिक पामर, डेविड एस गोयर
और लिन हैरिस है। इसके पटकथा लेखक स्टीफन नॉरिंगटन, डेविड एस गोयर, गिलरमो डेल टोरो और डेविड एस गोयर है। तो वही दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी एक हॉरर है और ये मार्वल कॉमिक्स पर बेस्ड है। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है, तो हम इसके आपको पहले मूवी की स्टोरी बता देते हैं थोड़ी बहुत। तो ब्लेड बड़ा होकर एक पिशाच शिकारी बन जाता है। अपनी माँ को मारने वाले जीव से बदला लेने की कसम खाता है। वह विस्लर नामक एक व्यक्ति के साथ मिलकर काम करता है, जो एक सेवानिवृत्त पिशाच शिकारी। और की स्टारिंग में आपको कौन देखने को मिलेगा, इस मूवी का बजट क्या होगा और वो हर वो इंफॉर्मेशन जो कि आप जानना चाहते हैं वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज आप लोगों को देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। और दोस्तों, इस मूवी में बताएंगे जो हम आपको इन्फॉर्मेशन वो बिल्कुल वेरीफाई होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के कास्ट और क्रू को लेकर। दोस्तों, इस मूवी को डायरेक्ट किया है स्टीफन नॉरिंगटन ने, विल्बर्ग टेल टोरो ने और डेविड एस गोए ने। बात करें इस मूवी के रिटर्न को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को रिटर्न किया है डेविड एस गोयर, माइकल स्टारबरी ने। बात करें इस मूवी की, तो दोस्तों ये मूवी बेस्ड होने वाली है मार वुल्फ मैन जेने कोलान के कैरेक्टर जिसका नाम है ब्लेड। बात करें इस मूवी की स्टारिंग को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी की स्टारिंग में हमें वेस्ले स्नैप्स देखने को मिलते हैं। बात करें इस मूवी के म्यूजिक को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को म्यूजिक मार्क शाम, मार्क वेल्ट्रानी, रेमिन डाजवाड़ी और दर्रजा ने दिया है। बात करें इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूट को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है न्यू लाइन सिनेमा ने। बात करें इस मूवी के रिलीज डेट को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी की रिलीज डेट आपको 2025 मार्च देखने को मिल जाएगी। वहीं बात करें अगर इस मूवी की, तो दोस्तों ये मूवी यूनाइटेड स्टेट्स से रिलेट होने वाली है। और बात करें इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज की, तो ये हमें इंग्लिश देखने को मिल जाती है। लेकिन दोस्तों टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये मूवी आपको ऑफिशियली हिंदी डब के साथ भी देखने को मिल जाएगी, जैसा कि इसके प्रीक्वल्स पार्ट में भी हमें देखने को मिला था। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के बजट को लेकर। इस मूवी का बजट 250 से 300 मिलियन डॉलर होने वाला है। वहीं बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों जैसा कि लोगों के बीच में इस मूवी की हाइप है और जिस बेसब्री से लोग इस मूवी का इंतजार कर रहे हैं, तो उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 800 से 900 मिलियन डॉलर तक आराम से पहुंच जाएगा। और ये मूवी अपने फ्रेंचाइजी में एक और नया रिकॉर्ड कायम कर देगी। तो अब बात करते हैं इस फ्रेंचाइजी को लेकर। दोस्तों ब्लेड एक सुपर हीरो फिल्म और टेलीविजन फ्रेंचाइजी है, जो इसी नाम के मार्वल कॉमिक चरित्र पर आधारित है, जिसमें मूल त्रय में ब्लेड के रूप में वेस्ली स्नेप्स और टेलीविजन श्रृंखला में स्टिकी फिंगर्स ने अभिनय किया है। मूल त्रय का निर्देशन स्टीफन नॉरिंगटन, गिलमरो डेल टोरो और डेविड एस गोए ने किया था, जिनमें से बाद वाले ने फिल्में भी लिखी और टेलीविजन श्रृंखला के पहले और अंतिम दो एपिसोड के लिए सहलेखक के रूप में काम किया। दोस्तों मूल फिल्में और टेलीविजन श्रृंखला 1998 से 2006 तक न्यू लाइन सिनेमा द्वारा वितरित की गई थी। इस किरदार को 1973 में मार्वल कॉमिक्स के लेखक मार्व वुल्फमैन और कलाकार
जीन कोलन ने 1970 के दशक की कॉमिक द टॉम ऑफ ड्रेकुला में सहायक किरदार के रूप में बनाया था। दोस्तों, कॉमिक में ब्लेड की माँ को ब्लेड के प्रसव के दौरान एक पिशाच ने काट लिया था, जिससे ब्लेड को पिशाच बनने से रोका जा सका। 1998 की फिल्म ब्लेड की रिलीज के बाद किरदार को पूर्वव्यापी रूप से एक धामपीर में बदल दिया गया और मूवी अपने समकक्ष से मेल खाने के लिए फिर से डिजाइन किया गया। दोस्तों, 2024 में स्नेप्स ने फिल्म डेडपुल और वुल्वरीन में किरदार के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। बात करें इस फ्रेंचाइजी की मूवीज को लेकर, तो दोस्तों, ब्लेड जो कि 21 अगस्त 1998 को देखने को मिली थी, ब्लेड 2 जो कि 22 मार्च 2002 को, ब्लेड 3 जो कि ब्लेड ट्रिनिटी के नाम से 8 दिसंबर 2004 को देखने को मिली थी, और इसका चौथा पार्ट ब्लेड 4 हमें 2025 में लगभग 21 साल के एक लंबे अरसे बाद देखने को मिलेगा। अब तक किसके प्रोड्यूसर्स पीटर फ्रैंकफर्ट, वेस्ले स्नेप्स और रॉबर्ट एंजलमैन, पैट्रिक पामर, डेविड एस गोयर और लिन हैरिस है। इसके पटकथा लेखक स्टीफन नॉरिंगटन, डेविड एस गोयर, गिलरमो डेल टोरो और डेविड एस गोयर है। तो वहीं दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी एक हॉरर है और ये मार्वल कॉमिक्स पर बेस्ड है। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, तो हम इसके आपको पहले मूवी की स्टोरी बता देते हैं थोड़ी बहुत। तो ब्लेड बड़ा होकर एक पिशाच शिकारी बन जाता है, अपनी माँ को मारने वाले जीव से बदला लेने की कसम खाता है। वह विस्लर नामक एक व्यक्ति के साथ मिलकर काम करता है, जो एक सेवानिवृत्त पिशाच शिकारी। और की स्टारिंग में आपको कौन देखने को मिलेगा, इस मूवी का बजट क्या होगा और वो हर वो इंफॉर्मेशन जो कि आप जानना चाहते हैं, वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज आप लोगों को देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। और दोस्तों, इस मूवी में बताएंगे जो हम आपको इंफॉर्मेशन वो बिल्कुल वेरीफाई होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के कास्ट और क्रू को लेकर। दोस्तों, इस मूवी को डायरेक्ट किया है स्टीफन नॉरिंगटन ने, विल्बरेक टेल टोरो ने और डेविड एस गोए ने। बात करें इस मूवी के रिटर्न को लेकर, तो दोस्तों, इस मूवी को रिटर्न किया है डेविड एस गोयर, माइकल स्टारबरी ने। बात करें इस मूवी की, तो दोस्तों, ये मूवी बेस्ड होने वाली है मार वुल्फमैन जेने कोलान के कैरेक्टर जिसका नाम है ब्लेड। बात करें इस मूवी की स्टारिंग को लेकर, तो दोस्तों, इस मूवी की स्टारिंग में हमें वेस्ले स्नेप्स देखने को मिलते हैं। बात करें इस मूवी के म्यूजिक को लेकर, तो दोस्तों, इस मूवी को म्यूजिक मार्क शाम, मार्क वेल्ट्रानी, रेमिन डाजवाड़ी और दर्रजा ने दिया है। बात करें इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूट को लेकर, तो दोस्तों, इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है न्यू लाइन सिनेमा ने। बात करें इस मूवी के रिलीज डेट को लेकर, तो दोस्तों, इस मूवी की रिलीज डेट आपको 2025 मार्च देखने को मिल जाएगी। वहीं बात करें अगर इस मूवी की, तो दोस्तों, ये मूवी यूनाइटेड स्टेट्स से रिलेट होने वाली है। और बात करें इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज की, तो ये हमें इंग्लिश देखने को मिल जाती है। लेकिन दोस्तों, टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये मूवी आपको ऑफिशियली हिंदी डब के साथ भी देखने को मिल जाएगी, जैसा कि इसके प्रीक्वल्स पार्ट में भी हमें देखने को मिला था। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी के बजट को लेकर। इस मूवी का बजट 250 से 300 मिलियन डॉलर होने वाला है। वहीं बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों, जैसा कि लोगों के बीच में इस मूवी की हाइप है और जिस बेसब्री से लोग इस मूवी का इंतजार कर रहे हैं, तो उससे अंदाजा लगाया जा रहा है
कि इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 800 से 900 मिलियन डॉलर तक आराम से पहुंच जाएगा और ये मूवी अपने फ्रेंचाइजी में एक और नया रिकॉर्ड कायम कर देगी। तो अब बात करते हैं इस फ्रेंचाइजी को लेकर। दोस्तों, ब्लेड एक सुपर हीरो फिल्म और टेलीविजन फ्रेंचाइजी है जो इसी नाम के मार्वल कॉमिक चरित्र पर आधारित है, जिसमें मूल त्रयी में ब्लेड के रूप में वेस्ली स्नेप्स और टेलीविजन श्रृंखला में स्टिकी फिंगर्स ने अभिनय किया है। मूल त्रयी का निर्देशन स्टीफन नॉरिंगटन, गिल्मरो डेल टोरो और डेविड एस गोय ने किया था, जिनमें से बाद वाले ने फिल्में भी लिखी और टेलीविजन श्रृंखला के पहले और अंतिम दो एपिसोड के लिए सहलेखक के रूप में काम किया। दोस्तों, मूल फिल्में और टेलीविजन श्रृंखला 1998 से 2006 तक न्यू लाइन सिनेमा द्वारा वितरित की गई थी। इस किरदार को 1973 में मार्वल कॉमिक्स के लेखक मारु वुल्फमैन और कलाकार जीन कोलन ने 1970 के दशक की कॉमिक द टॉम ऑफ ड्रैकुला में सहायक किरदार के रूप में बनाया था। दोस्तों, कॉमिक में ब्लेड की मां को ब्लेड के प्रसव के दौरान एक पिशाच ने काट लिया था, जिससे ब्लेड को पिशाच बनने से रोका जा सका। 1998 की फिल्म ब्लेड की रिलीज के बाद किरदार को पूर्वव्यापी रूप से एक धामपीर में बदल दिया गया और मूवी अपने समकक्ष से मेल खाने के लिए फिर से डिजाइन किया गया। दोस्तों, 2024 में स्नेप्स ने फिल्म डेडपुल और वुल्वरीन में किरदार के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। बात करें इस फ्रेंचाइजी की मूवीज को लेकर, तो दोस्तों, ब्लेड जो कि 21 अगस्त 1998 को देखने को मिली थी, ब्लेड 2 जो कि 22 मार्च 2002 को, ब्लेड 3 जो कि ब्लेड ट्रिनिटी के नाम से 8 दिसंबर 2004 को देखने को मिली थी, और इसका चौथा पार्ट ब्लेड 4 हमें 2025 में लगभग 21 साल के एक लंबे अरसे बाद देखने को मिलेगा। अब तक इसके प्रोड्यूसर्स पीटर फ्रैंकफर्ट, वेस्ली स्नेप्स और रॉबर्ट एंजलमैन, पैट्रिक पामर, डेविड एस गोयर और लिन हैरिस हैं। इसके पटकथा लेखक स्टीफन नॉरिंगटन, डेविड एस गोयर, गिल्रमो डेल टोरो और डेविड एस गोयर हैं। तो वहीं दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी एक हॉरर है और ये मार्वल कॉमिक्स पर बेस्ड है। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, तो हम इसके आपको पहले मूवी की स्टोरी बता देते हैं थोड़ी बहुत। तो ब्लेड बड़ा होकर एक पिशाच शिकारी बन जाता है, अपनी माँ को मारने वाले जीव से बदला लेने की कसम खाता है। वह विस्लर नामक एक व्यक्ति के साथ मिलकर काम करता है जो एक सेवानिवृत्त पिशाच शिकारी। उनकी स्टारिंग में आपको कौन देखने को मिलेगा, इस मूवी का बजट क्या होगा और वो हर वो इंफॉर्मेशन जो कि आप जानना चाहते हैं वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज आप लोगों को देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। और दोस्तों, इस मूवी में बताएंगे जो हम आपको इंफॉर्मेशन वो बिल्कुल वेरीफाई होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के कास्ट और क्रू को लेकर। दोस्तों, इस मूवी को डायरेक्ट किया है स्टीफन नॉरिंगटन ने, विल्बरेक टेल टोरो ने और डेविड एस गोए ने। बात करें इस मूवी के रिटर्न को लेकर, तो दोस्तों, इस मूवी को रिटर्न किया है डेविड एस गोयर, माइकल स्टारबरी ने। बात करें इस मूवी की, तो दोस्तों, ये मूवी बेस्ड होने वाली है मारु वुल्फमैन जेने कोलान के कैरेक्टर जिसका नाम है ब्लेड। बात करें इस मूवी की स्टारिंग को लेकर, तो दोस्तों, इस मूवी की स्टारिंग में हमें वेस्ली स्नेप्स देखने को मिलते हैं।
बात करें इस मूवी के म्यूजिक को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को म्यूजिक मार्क ईशान, मार्क बेल्ट्रानी, रेमिन डाजवाड़ी और दर्रजा ने दिया है। बात करें इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूट को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है न्यू लाइन सिनेमा ने। बात करें इस मूवी के रिलीज डेट को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी की रिलीज डेट आपको 2025 मार्च देखने को मिल जाएगी। वहीं बात करें अगर इस मूवी की, तो दोस्तों ये मूवी यूनाइटेड स्टेट्स से रिलेट होने वाली है। और बात करें इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज की, तो ये हमें इंग्लिश देखने को मिल जाती है। लेकिन दोस्तों टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये मूवी आपको ऑफिशियली हिंदी डब के साथ भी देखने को मिल जाएगी, जैसा कि इसके प्रीक्वल्स पार्ट में भी हमें देखने को मिला था। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के बजट को लेकर। इस मूवी का बजट 250 से 300 मिलियन डॉलर होने वाला है। वहीं बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों जैसा कि लोगों के बीच में इस मूवी की हाइप है और जिस बेसब्री से लोग इस मूवी का इंतजार कर रहे हैं, तो उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 800 से 900 मिलियन डॉलर तक आराम से पहुंच जाएगा। और ये मूवी अपने फ्रेंचाइजी में एक और नया रिकॉर्ड कायम कर देगी। तो अब बात करते हैं इस फ्रेंचाइजी को लेकर। दोस्तों ब्लेड एक सुपर हीरो फिल्म और टेलीविजन फ्रेंचाइजी है, जो इसी नाम के मार्वल कॉमिक चरित्र पर आधारित है, जिसमें मूल त्रयी में ब्लेड के रूप में वेस्ली स्नेप्स और टेलीविजन श्रृंखला में स्टिकी फिंगर्स ने अभिनय किया है। मूल त्रयी का निर्देशन स्टीफन नॉरिंगटन, गिल्मरो डेल टोरो और डेविड एस गोय ने किया था, जिनमें से बाद वाले ने फिल्में भी लिखी और टेलीविजन श्रृंखला के पहले और अंतिम दो एपिसोड के लिए सहलेखक के रूप में काम किया। दोस्तों मूल फिल्में और टेलीविजन श्रृंखला 1998 से 2006 तक न्यू लाइन सिनेमा द्वारा वितरित की गई थी। इस किरदार को 1973 में मार्वल कॉमिक्स के लेखक मारु वुल्फमैन और कलाकार जीन कोलन ने 1970 के दशक की कॉमिक द टॉम ऑफ ड्रैकुला में सहायक किरदार के रूप में बनाया था। दोस्तों कॉमिक में ब्लेड की मां को ब्लेड के प्रसव के दौरान एक पिशाच ने काट लिया था, जिससे ब्लेड को पिशाच बनने से रोका जा सका। 1998 की फिल्म ब्लेड की रिलीज के बाद किरदार को पूर्वव्यापी रूप से एक धामपीर में बदल दिया गया और मूवी अपने समकक्ष से मेल खाने के लिए फिर से डिजाइन किया गया। दोस्तों 2024 में स्नेप्स ने फिल्म डेडपुल और वुल्वरीन में किरदार के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। बात करें इस फ्रेंचाइजी की मूवीज को लेकर, तो दोस्तों ब्लेड जो कि 21 अगस्त 1998 को देखने को मिली थी, ब्लेड 2 जो कि 22 मार्च 2002 को, ब्लेड 3 जो कि ब्लेड ट्रिनिटी के नाम से 8 दिसंबर 2004 को देखने को मिली थी, और इसका चौथा पार्ट ब्लेड 4 हमें 2025 में लगभग 21 साल के एक लंबे अरसे बाद देखने को मिलेगा। अब तक इसके प्रोड्यूसर्स पीटर फ्रैंकफर्ट, वेस्ले स्नेप्स और रॉबर्ट एंजलमैन, पैट्रिक पामर, डेविड एस गोयर और लिन हैरिस है। इसके पटकथा लेखक स्टीफन नॉरिंगटन, डेविड एस गोयर, गिल्रमो डेल टोरो और डेविड एस गोयर है। तो वहीं दोस्तों इस मूवी की स्टोरी एक हॉरर है और ये मार्वल कॉमिक्स पर बेस्ड है। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है, तो हम इसके आपको पहले मूवी की स्टोरी बता देते हैं थोड़ी बहुत। तो ब्लेड बड़ा होकर एक पिशाच शिकारी बन जाता है, अपनी माँ को मारने वाले जीवों से बदला लेने की कसम खाता है। वह विचलन नामक एक व्यक्ति के साथ मिलकर काम करता है,
जो एक सेवानिवृत्त पिशाच शिकारी और की स्टारिंग में आपको कौन देखने को मिलेगा, इस मूवी का बजट क्या होगा और वो हर वो इन्फॉर्मेशन जो कि आप जानना चाहते हैं वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज आप लोगों को देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। और दोस्तों, इस मूवी में बताएंगे जो हम आपको इन्फॉर्मेशन वो बिल्कुल वेरीफाई होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के कास्ट और क्रू को लेकर। दोस्तों, इस मूवी को डायरेक्ट किया है स्टीफन नॉरिंगटन ने, गिल्बर्ट टेल टोरो ने और डेविड एस गोयन ने। बात कर रहे इस मूवी के रिटर्न को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को रिटर्न किया है डेविड एस गोयर, माइकल स्टारबरी ने। बात करें इस मूवी की, तो दोस्तों ये मूवी बेस्ड होने वाली है मार्व वुल्फमैन जेने कोलान के कैरेक्टर जिसका नाम है ब्लेड। बात करें इस मूवी की स्टारिंग को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी की स्टारिंग में हमें वेस्ले स्नाइप्स देखने को मिलते हैं। बात करें इस मूवी के म्यूजिक को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को म्यूजिक मार्क ईशान, मार्क बेल्ट्रानी, रेमिन डाजवाड़ी और दर्रजा ने दिया है। बात करें इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूट को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है न्यू लाइन सिनेमा ने। बात करें इस मूवी के रिलीज डेट को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी की रिलीज डेट आपको 2025 मार्च देखने को मिल जाएगी। वहीं बात करें अगर इस मूवी की, तो दोस्तों ये मूवी यूनाइटेड स्टेट्स से रिलेट होने वाली है। और बात करें इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज की, तो ये हमें इंग्लिश देखने को मिल जाती है। लेकिन दोस्तों टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये मूवी आपको ऑफिशियली हिंदी डब के साथ भी देखने को मिल जाएगी, जैसा कि इसके प्रीक्वल्स पार्ट में भी हमें देखने को मिला था। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के बजट को लेकर। इस मूवी का बजट 250 से 300 मिलियन डॉलर होने वाला है। वहीं बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों जैसा कि लोगों के बीच में इस मूवी की हाइप है और जिस बेसब्री से लोग इस मूवी का इंतजार कर रहे हैं, तो उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 800 से 900 मिलियन डॉलर तक आराम से पहुंच जाएगा और ये मूवी अपने फ्रेंचाइजी में एक और नया रिकॉर्ड कायम कर देगी। तो अब बात करते हैं इस फ्रेंचाइजी को लेकर। दोस्तों ब्लेड एक सुपर हीरो फिल्म और टेलीविजन फ्रेंचाइजी है जो इसी नाम के मार्वल कॉमिक चरित्र पर आधारित है, जिसमें मूल त्रयी में ब्लेड के रूप में वेस्ली स्नाइप्स और टेलीविजन श्रृंखला में स्टिकी फिंगर्स ने अभिनय किया है। मूल त्रयी का निर्देशन स्टीफन नॉरिंगटन, गिल्मरो डेल टोरो और डेविड एस गोय ने किया था, जिनमें से बाद वाले ने फिल्में भी लिखी और टेलीविजन श्रृंखला के पहले और अंतिम दो एपिसोड के लिए सहलेखक के रूप में काम किया। दोस्तों मूल फिल्में और टेलीविजन श्रृंखला 1998 से 2006 तक न्यू लाइन सिनेमा द्वारा वितरित की गई थी। इस किरदार को 1973 में मार्वल कॉमिक्स के लेखक मार्व वुल्फमैन और कलाकार जीन कोलन ने 1970 के दशक की कॉमिक द टॉम ऑफ ड्रेकुला में सहायक किरदार के रूप में बनाया था। दोस्तों कॉमिक में ब्लेड की मां को ब्लेड के प्रसव के दौरान एक पिशाच ने काट लिया था, जिससे ब्लेड को पिशाच बनने से रोका जा सका। 1998 की फिल्म ब्लेड की रिलीज के बाद किरदार को पूर्वव्यापी रूप से एक धामपीर में बदल दिया गया और मूवी अपने समकक्ष से मेल खाने के लिए
फिर से डिजाइन किया गया। दोस्तों 2024 में स्नेप्स ने फिल्म डेडपुल और वुल्वरीन में किरदार के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। बात करें इस फ्रेंचाइजी की मूवीज को लेकर तो दोस्तों ब्लेड जो कि 21 अगस्त 1998 को देखने को मिली थी, ब्लेड 2 जो कि 22 मार्च 2002 को, ब्लेड 3 जो कि ब्लेड ट्रिनिटी के नाम से 8 दिसंबर 2004 को देखने को मिली थी, और इसका चौथा पार्ट ब्लेड 4 हमें 2025 में लगभग 21 साल के एक लंबे अरसे बाद देखने को मिलेगा। अब तक किसके प्रोड्यूसर्स पीटर फ्रैंकफर्ट, वेस्ले स्नेप्स और रॉबर्ट एंजलमैन, पैट्रिक पामर, डेविड एस गोयर और लिन हैरिस है। इसके पटकथा लेखक स्टीफन नॉरिंगटन, डेविड एस गोयर, गिलरमो डेल टोरो और डेविड एस गोयर है। तो वहीं दोस्तों इस मूवी की स्टोरी एक हॉरर है और ये मार्वल कॉमिक्स पर बेस्ड है, और दोस्तों जैसा कि आपको पता है तो हम इसके आपको पहले मूवी की स्टोरी बता देते हैं थोड़ी बहुत। तो ब्लेड बड़ा होकर एक पिशाच शिकारी बन जाता है, अपनी माँ को मारने वाले जीवों से बदला लेने की कसम खाता है। वह विस्लर नामक एक व्यक्ति के साथ मिलकर काम करता है जो एक सेवानिवृत्त पिशाच शिकारी। और की स्टारिंग में आपको कौन देखने को मिलेगा, इस मूवी का बजट क्या होगा और वो हर वो इंफॉर्मेशन जो कि आप जानना चाहते हैं वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज आप लोगों को देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। और दोस्तों इस मूवी में बताएंगे जो हम आपको इंफॉर्मेशन वो बिल्कुल वेरीफाई होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के कास्ट और क्रू को लेकर। दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है स्टीफन नॉरिंगटन ने, विल्बरेक टेल टोरो ने और डेविड एस गोए ने। बात करें इस मूवी के रिटर्न को लेकर तो दोस्तों इस मूवी को रिटर्न किया है डेविड एस गोयर, माइकल स्टारबरी ने। बात करें इस मूवी की तो दोस्तों ये मूवी बेस्ड होने वाली है मार्व वुल्फमैन जेने कोलान के कैरेक्टर जिसका नाम है ब्लेड। बात करें इस मूवी की स्टारिंग को लेकर तो दोस्तों इस मूवी की स्टारिंग में हमें वेस्ले स्नेप्स देखने को मिलते हैं। बात करें इस मूवी के म्यूजिक को लेकर तो दोस्तों इस मूवी को म्यूजिक मार्क ईशान, मार्क बेल्ट्रानी, रेमिन डाजवाड़ी और दर्रजा ने दिया है। बात करें इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूट को लेकर तो दोस्तों इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है न्यू लाइन सिनेमा ने। बात करें इस मूवी के रिलीज डेट को लेकर तो दोस्तों इस मूवी की रिलीज डेट आपको 2025 मार्च देखने को मिल जाएगी। वहीं बात करें अगर इस मूवी की तो दोस्तों ये मूवी यूनाइटेड स्टेट्स से रिलेट होने वाली है, और बात करें इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज की तो ये हमें इंग्लिश देखने को मिल जाती है। लेकिन दोस्तों टेंशन की कोई बात नहीं है क्योंकि ये मूवी आपको ऑफिशियली हिंदी डब के साथ भी देखने को मिल जाएगी, जैसा कि इसके प्रीक्वल्स पार्ट में भी हमें देखने को मिला था। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के बजट को लेकर। इस मूवी का बजट 250 से 300 मिलियन डॉलर होने वाला है। वहीं बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो दोस्तों जैसा कि लोगों के बीच में इस मूवी की हाइप है और जिस बेसब्री से लोग इस मूवी का इंतजार कर रहे हैं, तो उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 800 से 900 मिलियन डॉलर तक आराम से पहुंच जाएगा, और ये मूवी अपने फ्रेंचाइजी में एक और नया रिकॉर्ड कायम कर देगी। तो अब बात करते हैं इस फ्रेंचाइजी को लेकर। दोस्तों ब्लेड एक सुपर हीरो फिल्म और टेलीविजन फ्रेंचाइजी है जो इसी नाम के मार्वल कॉमिक चरित्र पर आधारित है, जिसमें मूल त्रय में ब्लेड के रूप में
वेस्ली स्नेप्स और टेलीविजन श्रृंखला में स्टिकी फिंगर्स ने अभिनय किया है। मूल त्रय का निर्देशन स्टीफन नॉरिंगटन, गिल्मरो डेल टोरो और डेविड एस गोए ने किया था, जिनमें से बाद वाले ने फिल्में भी लिखी और टेलीविजन श्रृंखला के पहले और अंतिम दो एपिसोड के लिए सहलेखक के रूप में काम किया। दोस्तों, मूल फिल्में और टेलीविजन श्रृंखला 1998 से 2006 तक न्यू लाइन सिनेमा द्वारा वितरित की गई थी। इस किरदार को 1973 में मार्वल कॉमिक्स के लेखक मारू वुल्फमैन और कलाकार जीन कोलन ने 1970 के दशक की कॉमिक द टॉम ऑफ ड्रेकुला में सहायक किरदार के रूप में बनाया था। दोस्तों, कॉमिक में ब्लेड की मां को ब्लेड के प्रसव के दौरान एक पिशाच ने काट लिया था, जिससे ब्लेड को पिशाच बनने से रोका जा सका। 1998 की फिल्म ब्लेड की रिलीज के बाद किरदार को पूर्वव्यापी रूप से एक धामपीर में बदल दिया गया और मूवी अपने समकक्ष से मेल खाने के लिए फिर से डिजाइन किया गया। दोस्तों, 2024 में स्नेप्स ने फिल्म डेडपुल और वुल्वरीन में किरदार के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। बात करें इस फ्रेंचाइजी की मूवीज को लेकर, तो दोस्तों, ब्लेड जो कि 21 अगस्त 1998 को देखने को मिली थी, ब्लेड 2 जो कि 22 मार्च 2002 को, ब्लेड 3 जो कि ब्लेड ट्रिनिटी के नाम से 8 दिसंबर 2004 को देखने को मिली थी, और इसका चौथा पार्ट ब्लेड 4 हमें 2025 में लगभग 21 साल के एक लंबे अरसे बाद देखने को मिलेगा। अब तक किसके प्रोड्यूसर्स पीटर फ्रैंकफर्ट, वेस्ले स्नेप्स और रॉबर्ट एंजलमैन, पैट्रिक पामर, डेविड एस गोयर और लिन हैरिस है। इसके पटकथा लेखक स्टीफन नॉरिंगटन, डेविड एस गोयर, गिल्रमो डेल टोरो और डेविड एस गोयर है। तो वहीं दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी एक हॉरर है और ये मार्वल कॉमिक्स पर बेस्ड है। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, तो हम इसके आपको पहले मूवी की स्टोरी बता देते हैं थोड़ी बहुत। तो ब्लेड बड़ा होकर एक पिशाच शिकारी बन जाता है, अपनी माँ को मारने वाले जीवों से बदला लेने की कसम खाता है। वह विस्लर नामक एक व्यक्ति के साथ मिलकर काम करता है, जो एक सेवानिवृत्त पिशाच शिकारी और हत्या विशेषज्ञ है। तो दोस्तों, ये थी इस मूवी से रिलेटेड कुछ लीक्स, अपडेट और इन्फॉर्मेशन। मिलते हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक और अपकमिंग मूवी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। मिलते हमारे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे दोस्तों।